Adu Baba. Baba, what is there? What is it? No, nothing. वेज लोडेड पिज्जा वेज टैको। तो ये है हमारी बर्थडे गर्ल जिसका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है। जो मेरे मिडनाइट का प्लान था वो तो नहीं हो पाया, सो सॉरी फॉर दैट। डोमिनोज वालों ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। बर्थडे गर्ल प्रिपेयर कर रही है हमारे लिए। बेसिकली आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। मेरी एक बुआ है तो उनके बेटे का फर्स्ट एनिवर्सरी है, थोड़ा सा दूर है अगरतला से, अराउंड 2 आवर। हम लोग कार से जाएंगे तो 4 बजे निकले थे और 11 बजे तक आ जाना चाहिए। आदू को मैंने सुला दिया है डिनर करवा के, अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग भी इसलिए डिनर कर रहे हैं। उसके बाद गुड्डी को विश करेंगे हम लोग सबको मिल के 12 बजे। कल देखिए क्या क्या प्लान है हमारा, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। ये हमारी बर्थडे गर्ल बिल्कुल रेडी है, मम्मी भी रेडी है, आदू भी रेडी है। और ये हमारा आज का छोटा सा डेकोर, ये मेरी छोटी बहन के लिए एक स्वीट सरप्राइज फ्रॉम आदू। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। हाउ डिड योर डे गो? अभी तो कितने बज रहे हैं, अभी 6:45 हो रहा है। यू आर नॉट बॉर्न येट। अभी हम लोग शाम का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो कि अभी घर पे छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे, इसके बाद कहीं जाएंगे। तो आप व्लॉग को जरूर देखिए, टाइटल देख के थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही गए होंगे कहाँ जा रहे हैं, बट फिर भी आप व्लॉग देखिए, हमारा एक्सपीरियंस देखिए, पहली बार हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं।
Adu Baba. Baba, what is there? What is it? No, nothing. What is it? खाना पीना हो गया है और आधु भी सो गया है। तो अभी मेरी छोटी बहन और पापा गए हैं कार लाने के लिए और मम्मी और मैं यहाँ पे वेट करेंगे बाहर। आपको कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। हम लोग पहली बार फर्स्ट साइज होटल में आए थे। नहीं, ये सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है? ओ अच्छा। हाँ, एक बार हमारा फ्लाइट मिस हो गया था ना, तभी हम लोग को एक फाइव स्टार होटल में रुकवाया था। कहाँ पे था वो? कोलकाता में। ये बहुत पहले का बात है ना। कौन सा फ्लाइट था हमारा? एयर एशिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया फ्लाइट था। और वहाँ का गद्दा जो था उस होटल के रूम का, और मेरा पहले इतना सॉफ्ट गद्दा था उस रूम में, प्लस वहाँ पे फ्लोर भी बहुत, मतलब ऐसे पैर रखने से लग रहा था पता नहीं कहाँ पैर मेरा चला जा रहा है नीचे। और बाथटब भी था। हाँ, पहला एक्सपीरियंस ऑफ बाथटब, वो भी बहुत सही।